प्रोग्राम में लिया ठीक है। चले आप आपको व्यू दे देते हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड ठीक है जी। आफ्टर कश्मीर मल्टीप्लेक्स आप कश्मीर में बात कर रहे हैं, आप कभी कश्मीर गए हो? मैं कश्मीर नहीं गया। बलोचिस्तान गया हूँ? मैं बिल्कुल नहीं गया, मैं पंजाब से बाहर गया। आप नहीं गए ठीक है। कैन पाकिस्तान बीट इंडिया एंड हाउ कैन बीट इंडिया, कैन पाकिस्तान ग्रो लाइक इंडिया? अच्छा चलिए, जय हिंद जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देने वाला पाकिस्तान आज यूट्यूबर यानी जो भी इंडिया के बारे में सच्चाई बोल देता है और पाकिस्तान की जो असली सच्चाई उसको बोल देता है वहां पर उसकी पिटाई हो रही है। ये वही स्ट्रीट डॉग है जिसने रिबा इमरान का करियर खराब कर दिया था और दोबारा फिर से ये ऐसे यहाँ पर पाकिस्तानी यूट्यूबरों को जो इंडिया के बारे में वीडियो बना रहे हैं उनके साथ झगड़ा करता है। वीडियो देखिए बेसकीमती अपना कमेंट जरूर छोड़िए। चलिए मुझे बताएं आप तमाम जो है इंडियन कंटेंट क्रिएटर यानी हैं आप, मतलब नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ आपने मेरी तीन चार वीडियोस देखी हैं, मुझे इसमें बताएं गलत क्या। अच्छा चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे पूछने का मकसद बताया, मैं आपसे लड़ने नहीं आया। नहीं, आपने लड़ने कोई भी नहीं आया, भाई हैं हमारे, मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलेंगे बिल्कुल ना। मैंने पहला प्रोग्राम व्यूज के लिए किया ना, आपका ये प्रोग्राम व्यूज के लिए कर रहा हूँ। आप इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं ना? बिल्कुल हैं। क्या दिखाते हैं सर? हम ये दिखाते हैं डेवलपमेंट। हां डेवलपमेंट बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि आपने अभी वीडियो की हुई थी इंडिया यूके फ्री ट्रेड, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान किसी साथ फ्री ट्रेड कर रहा है? पाकिस्तान किसी के साथ भी फ्री ट्रेड? आपको नहीं पता? आपको पाकिस्तान करंट अफेयर्स का नहीं पता? आप बलोचिस्तान नहीं गए हुए? आप कश्मीर नहीं गए हुए? आपको पता है कि गवर्नर पंजाब कौन है? अच्छा ठीक है, पता है गवर्नर पंजाब कौन है? ठीक है छोड़ें, आपको नहीं पता? आप मुझे बताएं कि पंजाब का जो वजीर आला साहब है उनका स्पोक पर्सन कौन है? यार मैं ये बताऊं आपको, मेरी बात सुनिए, अब जो आप चला रहे हैं इंटरनेशनल लेवल चैनल ठीक है, आप इंटरनेशनल लेवल चला रहे हैं ठीक है, चलें हां जी दिन एक मिनट, अब आप मेरा पाकिस्तान चैनल भी सर्च कर रहे हैं, एक मिनट सर्च कर रहे हैं। अच्छा जनाब नाज़रीन यहाँ पे ये भाई मुझे बता रहे थे कि मैं इंडियन कंटेंट कर रहा हूँ, लेकिन इनको यहाँ का नहीं पता कि पाकिस्तान में करंट अफेयर क्या चल रहा है, इन्हें ये नहीं पता गवर्नर पंजाब कौन है, इन्हें ये नहीं पता वजीर आला का स्पोक पर्सन कौन है। ये हमें बताएंगे कि इंडियन आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है आज की न्यूज़ को? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है? मेरी बात आप लोग आए हो इधर ठीक है, आप हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं ठीक है, पहली बात बहुत शुक्रिया ठीक है। दूसरी बात पे हम लोग कह रहे हैं हम लोग कर रहे हैं इंडियन कंटेंट पे काम ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इंडियन कंटेंट पे ज्यादा कर रहे हैं मतलब हमारे पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पता है रियल इंटरटेनमेंट? एक मुझे निशानदेही करें मैं ना जाऊं और मेरी जान मेरी बात, वो अब दो दिन बाद उसको उसको इतनी एड्स आ रही है कि वो बंदा दो दिन बाद इंडिया जा रहा है। थर्ड नंबर पे सना अमजद का आप पेज खोलो ठीक है, आप हमें जो आगे शाउट कर रहे हो, हमें जो आगे पकड़ रहे हो, हमारे भाइयों को जो पकड़ रहे, एक पहले मेरी बात पूरी सुन ले फिर आपने आगे से बोलना है ठीक है। हमें जो पकड़ रहे हो या किसी को पकड़ रहे हो, हमारा कंटेंट है एजुकेशन ठीक है, तालीम। अगर आपको इतना भी इशू है आप हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं पकड़ते कि हमारी जो तालीम, एक मिनट याद करके, हमारी जो एजुकेशन लेवल है कहाँ पे है? आपको पता है हमारे एजुकेशन लेवल कितना लो है? आपका एक मिनट, आप हमारी बात सुन लेंगे पुट करने दे, नहीं पुट क्यों करें जब आप इतनी, जवाब ही नहीं दे रहे, एक मिनट जब आप हमारे आपको पता है क्या पूछना चाह रहा हूँ जब आप सवाल ही नहीं सुन रहे, इंडिया का कंटेंट दिखा के, अगर आपने मेरी एजुकेशन का एनालिसिस करना है आप यूके क्यों क्यों नहीं पढ़ते? यूके का भी करते हैं तो यूके ऐसा करें, यूके का भी कर, एक मिनट हम लोग आप इंडिया का अच्छा यार हम क्वेश्चन फिनिश होने दे, हमारा श्रीलंका भी है अफगानिस्तान भी है उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखिए अब क्वेश्चन दूसरा ये है, आप बता रहे हैं कि जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर में जरा बड़ा है उसको इतनी एड आ रही है वो इंडिया भी जा रहा है, आप अभी स्ट्रगलर है आप भी इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कल को हम तो थुके भी ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस इंडस्ट्री का हम लोग जो इस इंडस्ट्री का टॉपर है हाँ जी, वो आप बता रहे हैं कि उसको एड आ रही है, एक मिनट आप बता रहे हैं कि वो इंडिया जा रहा है और आप उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम उसके नक्शे हमारा आपका चैनल किस नाम से ठीक है, हमारे दूसरे कैमरे पे वीडियो दिखाएं तो ठीक है, जिस टाइम आपको व्हाट्सएप हुआ उसका एड्रेस ठीक है, आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए था वो उस टाइम, चलिए
मेरी बात है, अगर आपका कैमरा आपका न्यूज ये नहीं चलाता, हमारे कैमरे पे चल रहा है, हम चलाएंगे। मुबीन अहमद को आप जानते हो? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते मुबीन अहमद? पीटीआई मुबीन अहमद को आप जानते हो? यहाँ पर इंडियन कंटेंट ये करता रहा, वो आपके साथ उसकी व्हाट्सएप पे बात भी नहीं। मुबीन अहमद किसी को नहीं दिखा दे, सॉरी उसने वो इस्लामिक लगाई हुई है। इस बंदे ने आपको, आपके पास कोई सबूत है? मैं इसके स्क्रीनशॉट मंगवाता हूँ आपके। आप मुझे सेंड कर दे, आप मुझे सेंड कर दे, सेंड क्यों स्क्रीन? आप मुझे नंबर बताएं, आप वादा करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, आपने स्क्रीन पर मुझे नंबर बताएं। आप वादा करते हैं मुझे नंबर दिखाएं? कभी भी नहीं दिखाएंगे, आपके अपने पे बात है, ये आप कभी भी नहीं दिखाएंगे। आपने कभी टेक नहीं दी इंडियन कंटेंट पे? टेक नहीं दी कभी? एक शायद कभी जिंदगी में बहुत बेवतन होते, आप एक मुझे पता ही नहीं था। अच्छा आप इंडिया क्वेश्चन हो रहा, आपको पता ही नहीं है? आप वैसे आपको पता मैंने कब दिया हो? सर मुझे पता है, मेरे सामने आपने तीन चार दफा दिया। अच्छा अगर आप इंडिया इंडिया का शॉट दिखा देना, मैंने जिंदगी में एक शॉट दिया, उसमें कोई क्रिकेटर का एनालिसिस था, उसके अलावा मैंने आज तक नहीं दिया। अच्छा, और मीडिया में नहीं दिखा रहा हूँ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अली हमदा। अली हमदा, अली भाई हमारे उसका नंबर सेव नहीं। अली भाई हमारी भी यही बात है, आप हमें जो पकड़े वो जो दो बंदे, अभी मेरे साथ चलो कहाँ पे कहा है नंबर? मैं व्हाट्सएप पर मैं आप, अच्छा आप ही नहीं है, मेरे पास नंबर ही नहीं सेव। आपका नंबर सेव नहीं है? इसके पास ग्रीन शॉट है। मैं आपको मुझे डेली 500 लोग मैसेज करेंगे, मुझे अगर डेली 500 लोग मैसेज करेंगे तो मैं जो आप लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही बात है आप लोग। अबे अली हमजा मैं देता हूँ तुम्हें जवाब, पाकिस्तानी स्ट्रीट डॉग जो तुम ऐसे ऐसे घूमते रहते हो गलियों में धक्के खाते हुए, तो जैसे देखो दोस्तों इसने बोल दिया कि भाई इंडिया से क्यों कंपेयर करते हैं, हमारा हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, अमेरिका, उनके बारे में बात करो। तो सबसे पहले देखो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं इसको। किसी बाप के दो बेटे होते हैं, पड़ोसी की बात दोबारा करेंगे, सबसे पहले जब एक बाप उन दोनों बेटों को अलग करता और उनको सेम जो यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह दे के छोड़ता है, तो एक बेटा घरों कर जाता है और दूसरा बेटा उसको सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो कोई भी है, तीसरा पड़ोसी है या कोई भी है, सबसे पहले क्या बात करेगा कि भाई इसके बाप ने दोनों एक साथ यहाँ पर सेम छोड़े थे, तो आज देखो पहले वाला लड़का कहाँ है, दूसरे वाला बर्बाद हो चुका है। ये तुम्हारा जवाब है। 1947 में जब दोनों मुल्क बनाए गए थे तो उस टाइम इंडिया की सिचुएशन क्या थी और आज पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है, यानी कि इंडिया कितना ग्रो कर गया है। और दूसरी बात, तुम अमेरिका के साथ कंपेयर करने की पाकिस्तान को कह रहे हो, अरे मैं क्या बोलूं, अब मैं कुछ और बोल दूंगा। कंपेयर किया जाता है हर वक्त अपना जो एकदम कभी ना कभी एक साथ हो सेम सिचुएशन पे उसके साथ कंपेयर किया जाता है। आज इंडिया को ब्रिटेन के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ अटैचमेंट है। पाकिस्तान और अमेरिका क्या अटैचमेंट आज तक रही है? कुछ है तो मतलब ये कि ये मदरसा छाप है, इसको पता कुछ नहीं है, माइक उठाया, सफेद कुर्ता पजामा पहना और मार्केट में निकले, यानी कि भाई ये बनेगा पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का आने वाला है भाई साहब ये करेगा पाकिस्तान का। जरे जाहिल लोगों, जो सच्चाई है वो सामने तुम्हारे पूरे दुनिया को पता लग ही रही है, जो तुम अंदर थे तो ये कुछ यूट्यूबर है वीडियो बना गए, कुछ तो तुम्हारे दूसरे के डॉलर तो आ रहे हैं ना, यानी कि बाहर से पैसा आ रहे, तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो तुम इनके बैन लगाने की बात है। और रही बात ये झूठ ली गई तो कुछ भी नहीं भाई, सब जो सच्चाई है वही बोल रहे। तो आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।